हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5 जो कि बेस्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। मींस हमारे पास इस एक्सरसाइज में दो तरह से क्वेश्चन होंगे ज्यादातर। एक तो वो क्वेश्चन होंगे जिनमें हमारे पास फंक्शन रेस्ट पावर फंक्शन में हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, या फिर दूसरी तरह के हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि हमें उसका जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जब उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो जैसे रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, तो हमें पहले तो रूट का करना पड़ेगा, रूट के फिर अंदर का करना पड़ेगा। जब हम रूट के अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो उसके लिए हमें क्वोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और क्वोशेंट रूल के अंदर भी क्योंकि टू टर्म्स ही है थ्री टर्म्स ही है तो क्वोशेंट रूल के अंदर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के सभी क्वेश्चन जिनमें फंक्शन रेस्ट टू पावर फंक्शन है और या फिर जो स्टेटमेंट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी सारी टर्म्स हैं उनके अंदर, तो उनको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सोल्व करेंगे। तो एक बार इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं कि क्या इसका वर्किंग रूल होता है। तो हमारे पास जनरली जो क्वेश्चन है फंक्शन इट्स पावर फंक्शन टाइप में दिए होते हैं, तो हम उसको किसके इक्वल मान लेंगे, वाई के इक्वल मान लेंगे। ये हमारे पास गिवन है, तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log y that is equal to log of fx और ये gx, then log y is equal to gx log of fx। हमारे पास फॉर्मूले होते हैं log mn that is equal to log m plus log n, सेकेंड है हमारे पास log m divided by n log m minus log n, और थर्ड है log x raised to power n, ये हो जाता है n log x। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया इस जगह पे। अब आप देखेंगे एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट तो log y का 1 by y साथ में dy divided by dx। अब यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसको प्रोडक्ट रूल से सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा dy divided by dx, ये जो y है इधर आ जाएगा y और ये जो हमने यहां से सोल्व किया है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 5.5 में जो क्वेश्चंस है ज्यादातर क्वेश्चन उसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें क्या करना है, लॉग लेना है दोनों साइड में, और लॉग लेने के बाद जो पावर सब आगे आ जाएगी या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उनमें इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और उस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू cos x cos 2x और cos 3x। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सिंपल प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। थ्री टर्म्स है cos x का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज प्लस cos x और cos 3x एज इट इज cos 2x का एज इट इज प्लस cos x और cos 2x as it is cos 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो एक सिंपल तरीके से भी हो सकता है, और अगर हम log के तरीके से इसको अप्लाई करना चाहें तो इस तरह से करेंगे हम इसको, टेकिंग log on both side it becomes log y is equal to log of cos x cos 2x और cos 3x, log y is equal to m n p, तो log m plus log n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, log का log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x
अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 डिवाइड बाय वाई डिवाइडेड बाय डीएक्स। लोग के लिए 1 डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय कोस टू एक्स, लोग कोस टू एक्स का 1 डिवाइड बाय कोस टू एक्स और कोस टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स और टू एक्स का कितना हो जाएगा 2 प्लस लोग कोस थ्री एक्स का 1 डिवाइड बाय कोस थ्री एक्स और कोस थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स और यहां से 3x का हो जाएगा हमारे पास 3, तो 1 बाय वाई डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट एक्स और यहां से माइनस 2 साइन टू एक्स डिवाइड बाय कोस टू एक्स टेंजेंट 2x माइनस 3 और ये टेंजेंट 3x डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स। वाई हम इधर ले आते हैं माइनस टेंजेंट एक्स माइनस 2 टेंजेंट 2x माइनस 3 टेंजेंट 3x और माइनस बी वाई की वैल्यू रख देते हैं और यहां से माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास cos x cos 2x और cos 3x विद माइनस साइन, अंदर आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट x टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट 3x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हम सिंपल प्रोडक्ट रूल से करें इसको तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, अगर हम इसको सिंपली प्रोडक्ट रूल से करें लोग के बिना भी करें तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम हमें आनी नहीं है इस प्रॉब्लम में। लेकिन अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे जो टर्म्स है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब यहां से y की वैल्यू है हमारे पास, तो इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो 1 डिवाइड बाय dy डिवाइड बाय dx 1 डिवाइड बाय 2 रूट x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो रूट के अंदर है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें कौन सा क्वोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और देखो जब हम क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर स्क्वायर एज इट इज नीचे, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा कि टू टर्म्स है माइनस, अब की बार ये न्यूमरेटर एज इट इज और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हमें तो अगेन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन रूल के अंदर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा और फिर सारे सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लॉग के मेथड से करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले तो हमें log m n फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू log m प्लस log n, सेकंड है log m डिवाइड बाय n log m माइनस log n और थर्ड है log x रेस्ट टू पावर n, ये है n log x, तो ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेकिंग log ऑन बोथ साइड log y is equal to log root of x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 और x minus 5। अब ये जो root है, root का मीनिंग क्या है, इसकी जो पावर है वो कितनी है 1 by 2, root का मतलब इसकी पावर 1 by 2। अब log x raised to power ये होता है n log x, log x raised to power n, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी 1 by 2 आगे आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, तो ये log m डिवाइड बाय n।
अब इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लॉग एम डिवाइड बाय एम, लॉग एम माइनस लॉग एम, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ, ये सारा एम है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन। अब एक बार फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा लॉग एम एन का, तो लॉग एन एम एन का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर और माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। लॉग एम एन का यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, यहां पर स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं, फर्स्ट वन के साथ तो माइनस लगा देते हैं लेकिन बाकी के साथ पॉजिटिव, फॉर्मूला हमारा पॉजिटिव वाला ही यूज हुआ है, लेकिन जो थ्री टर्म्स है पॉजिटिव वाला था लेकिन बाहर जो है इससे वो माइनस का साइन है, तो हमें ये सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, नेगेटिव करने पड़ेंगे। अभी हमारा सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया, अब इसका जस्ट डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा लॉग वाई को 1 बाय वाई डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स 1 बाय 2 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, क्या जाएगा हमारे पास लॉग एक्स माइनस वन का 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन का 1 ही होता है प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू का भी 1 ही होगा माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री, अंदर का डेरिवेटिव 1, 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर और माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस फाइव। तो अगली जो लाइन होगी डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, वाई इधर आ जाएगा तो ये वाई डिवाइड बाय टू कह सकते हो आप इसको, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस टू, 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री, 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर और 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस फाइव। तो अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देंगे, तो 1 बाय टू को आगे लिख देते हैं, जो y की वैल्यू है वो है x माइनस वन रूट ऑफ x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री x माइनस फोर और x माइनस फाइव, और अंदर है हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1 डिवाइड बाय x माइनस वन प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस टू 1 डिवाइड बाय x माइनस थ्री माइनस माइनस वन और माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस फोर और 1 डिवाइड बाय x माइनस फाइव। तो ये इसका आंसर है। हम कह सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो विदाउट लॉग लिए भी हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा लॉग लिए बिना अगर हम इसको करेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, पहले रूट का करेंगे फिर अंदर क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे और क्वोशेंट रूल में भी हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, हो तो जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेटर यही है कि जस्ट हमने लॉग के फॉर्मूले अप्लाई किए और सिंपल सा डिफरेंशिएशन के बाद हमने इसको कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इज इक्वल टू log x रेज़ टू पावर cos x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर को सेकंड को हम विदाउट log लिए कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा हो गया, फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन होगा, तो इस क्वेश्चन को आप log लिए बिना सॉल्व नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन के लिए आपको log लेना ही पड़ेगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा log y दैट इज इक्वल टू log of log x its power cos x, तो log y cos x आगे आ जाएगा log of log x, एक हमारा फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, log y का आ जाएगा 1 डिवाइड बाय y डिवाइड बाय dx, cos x एज इट इज log of log x है तो log of log का होता है 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय यानी के log x इंटू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस अब की बार लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो 1 बाय वाई डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, तो ये आ गया कोस एक्स डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्स माइनस
साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, वाई इधर आ जाएगा, क्या आ गया कोस एक्स डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स और डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, वाई की वैल्यू यह आ जाएगी लॉग एक्स इट्स पावर कोस एक्स, कोस एक्स डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें फंक्शन रेस्ट टू पावर फंक्शन है, तो फंक्शन रेस्ट टू पावर फंक्शन के सभी क्वेश्चंस में हमें लॉग लेके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स माइनस टू रेस टू पावर साइन एक्स। अब एक बात है, अगर हम लॉग लें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर एक्स माइनस टू रेस टू पावर साइन एक्स, लेकिन लॉग m माइनस n ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूला कब है, जब टर्म्स मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है, तो जब टर्म्स प्लस में और माइनस में है तब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक बात ध्यान रखोगे, जब भी टर्म्स प्लस और माइनस में है तो सबसे पहला स्टेप हमारा लॉग लेना नहीं होगा, हम लॉग नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो टर्म्स गिवन है उनको यू और वी मान लेंगे। यहां पर यू हमारे पास क्या है एक्स रेस टू पावर एक्स और वी है टू रेस टू पावर साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी यू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। अब आप देखेंगे y का dy by dx, u function of x है तो du by dx, v function of x है तो dv by dx, dv divided by dx था। अब हम du by dx और dv by dx की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, u है हमारे पास x raised to power x और v है हमारे पास 2 raised to power sin x। अब देखिए यहां पे भी फंक्शन और पावर में भी फंक्शन, तो फंक्शन raised to power फंक्शन है, टेकिंग log log u that is log of x raised to power x, तो log u x आगे आ जाएगा और ये log x, अब ये हमारे पास x और log x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 by u du डिवाइड बाय dx, x एज इट इज log x का 1 by x, अगले स्टेप में log x एज इट इज x का 1, तो 1 by u du डिवाइड बाय dx 1 प्लस log x, तो du डिवाइड बाय dx u इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस log x, तो du डिवाइड बाय dx u की वैल्यू हमारे पास x रेस्ट पावर x 1 प्लस log x, तो ये हमारा x रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव रहेगा। एक बात ध्यान रखोगे, आप इस रिजल्ट को याद भी रखोगे, एक फॉर्मूला की तरह से आप इस जो ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में ये अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के रूप में यूज होता है, तो जब ये अंदर जैसे हमें साइन ऑफ एक्स रेस टू पावर एक्स का करना पड़ेगा तो साइन का हम क्या करेंगे, साइन का कोस हो जाएगा, और एक्स रेस टू पावर एक्स का करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसको एक फॉर्मूले की तरह से आप याद रखोगे। अब इसी तरह से v का करना है, लेकिन v का तो फंक्शन रेस्ट पावर फंक्शन है ही नहीं है, v का तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, dv by dx a रेस्ट पावर x वाला क्या होता है a रेस्ट पावर x log a की वैल्यू है 2। अब क्योंकि x नहीं है तो sin x का भी करना पड़ेगा, sin x का हो जाएगा हमारे पास cos x, तो ये dv by dx है, तो dv by dx और dv by dx की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं, तो dy by dx हमारे पास हो जाएगा x raised to power x 1 plus log x minus 2 raised to power sin x log 2 और ये cos x, तो
ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान रहे, रिपीट कर रहा हूं, जब भी टू टर्म्स प्लस या माइनस में है तो डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं करेंगे, यू और वी लेके और फिर इसके बाद अलग अलग पार्ट पे लॉग अप्लाई करेंगे, और अगर ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है तो हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर x प्लस फोर क्यूब और x प्लस फाइव एक्स पावर फोर। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिंपल प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, लेकिन अगर log के तरीके से करेंगे तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y log ऑफ x प्लस थ्री इट्स स्क्वायर x प्लस फोर क्यूब और x प्लस फाइव एक्स पावर फोर। तो ये log के लिए log m n p फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log y दैट इज log ऑफ x प्लस थ्री स्क्वायर log ऑफ x प्लस फोर क्यूब और log ऑफ x प्लस फाइव फोर, दैट इज log y, दैट इज टू आगे आ जाएगा, टू log x प्लस थ्री और थ्री log x प्लस फोर और फोर log x प्लस फाइव। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, वन log y का वन बाई वाई, लेकिन y का जब भी करेंगे dy बाई डी एक्स लगाएंगे, टू log के लिए वन डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री और अंदर x प्लस थ्री का वन ही होगा, थ्री log के लिए वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फोर और x प्लस फोर का करेंगे तो वन ही होगा, फोर वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव और इसका करेंगे तो वन ही होगा। तो dy डिवाइड बाय dx, y इधर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय x प्लस 3, 3 डिवाइड बाय x प्लस 4, 4 डिवाइड बाय x प्लस 5। तो dy डिवाइड बाय dx, y की वैल्यू हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, x प्लस 3 इट्स स्क्वायर, x प्लस 4 इट्स क्यूब और x प्लस 5 इट्स पावर 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाय x प्लस 3, 3 डिवाइड बाई x प्लस 4, 4 डिवाइड बाई x प्लस 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.5 के कोरिस्पोंडिंग पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन लेंगे, पार्ट 2 में इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और 10 तक लेंगे, और जो पार्ट 3 होगा उसमें 11 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उनको लेंगे। थैंक यू वेरी मच।